आज हम बनाएंगे बनाना केक, चलिए बनाते हैं। तो ये दो केले हैं, इसे मिक्सी में डाल देंगे। मैंने टुकड़ों में कट करके ले लिया था। ये हाफ कप शक्कर है, और 1/4 कप इसमें ऑयल डाल देंगे, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा चन कर लेंगे। इसका पेस्ट बना लिया है एकदम स्मूथ सा। इसमें मैं 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल दूंगी। एक चम्मच इसमें मैं विनीगर डाल दूंगी। विनीगर फूलने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। इसे मैं थोड़ा सा घोल कर लूंगी। इसमें मैं 1/2 कप बेकिंग पाउडर ली हूँ और 1 चुटकी तक बेकिंग सोडा ली हूँ। 1 कप मैं इसमें मैदा ली हूँ। इसे निकाल दे रही हूँ मैं। इसमें मैं 2 चम्मच कोको पाउडर डालूंगी। कट एंड फोल्ड करते हुए इसे मैं घोल करूंगी। इसे बहुत ज़्यादा जोर से मिक्स नहीं करना रहता है। इसमें मैं 1/2 कप तक पानी डाल सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे, पतला नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत पतला घोल हो जाता है, ये बहुत टाइम लेता है पकने में। इसमें बनाना मिक्स है तो ये थोड़ा चिपकने लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे रही हूँ। बनाना केक में सॉल्ट डालना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑयल लगा दे रही हूँ अच्छे से। चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे अच्छे से। और इसमें मैं बटर पेपर डाल दे रही हूँ। बटर पेपर डालने के बाद भी उसे अच्छे से सेट करके इसमें ऑयल लगाऊंगी मैं, जिससे केक आसानी से निकल जाए। चलिए हो गया। इसमें अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी पहले से ही हीट होने के लिए। इसे 25 मिनट के लिए रख देंगे और बीच में खोल के चेक कर देंगे टूथपिक या नाइफ से। चलिए हो गया है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप बनाना केक ऐसे भी बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। कोई ज़रूरत नहीं इस पर क्रीम वगैरह लगाने की, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है बनाना केक। इसे मैं इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में कट करके रख दे रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए, ये देखिए कितना अच्छा जाली पड़ा है, फूल गया है ये अच्छे से, पूरा टूट जा रहा है इतना इसमें। तो चलिए, आप भी बनाइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।